तो आओ बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम कर रहे हैं अपना नया नया प्यारा प्यारा चैप्टर 3D। बहुत इजी, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये। तो 3D स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात पूछना है बेटा, क्या आप लोगों को पता है 3D और 2D क्या चीजें होती है? क्या होता है बताओ? 2D क्या होता है? जिसमें बेसिकली 2 डायमेंशन हो, जिसे हम बोलते हैं एक्स और वाई। 3D क्या होता है? जिसमें 3 डायमेंशन हो। ठीक है, यहाँ 3D, यहां पर हम डायमेंशन को एक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एक्सेस से। तो आप चलते हैं, ये नोट्स है हमारे, राइट? पहले बेसिक बेटा, क्या आपको कार्टेशियन प्लेन पता है सबको? क्या बताओ, बोलो बोलो। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, राइट? कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट हो तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो, एक्स कॉमा वाई, राइट? अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट? ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? बोलो जल्दी से। सेकंड में होता है माइनस एक्स कॉमा वाई। थर्ड में क्या होता है मेरे बच्चा? माइनस एक्स माइनस वाई। अभी बेसिक्स है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। फोर्थ में एक्स कॉमा माइनस वाई। बोलो यहाँ तक क्लियर सबको? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेकंड, सेकंड हमारा 3D प्लेन। मेरे बच्चा 3D प्लेन पता है किसी को? एनीवन? 3D प्लेन कौन सा होता है? यहाँ पर तीनों एक्सेस आते हैं। देखो कैसे बनता है ये। जिस तरह यहाँ पे तीनों एक्सेस आते हैं, एक्स वाई जेड, राइट? ओरिजिन। पहले आप एक काम करो, इस रूम का कोई भी कोना देखो जल्दी से, कोई भी कोना। लेट्स हम टॉप को ले लेते हैं। अगर आप नोटिस करो इसमें 3 एज जा रही है, आप पिलर देख लो, कोई भी चीज देखो, वहां पे तीन तीन तरफ से निकल रहा होगा, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। मिल गया यार कंफ्यूजन? ठीक है, अब मैं दिखा रहा हूँ कि इस 3D प्लेन से हमारा 3D फिगर कैसे बनती है। क्या बन रही है, कौन सी शेप है? क्यूब की, राइट? ओके, अच्छा, क्यूब में इस वाले पॉइंट को, इसको मेरे बच्चा, इस वाले पॉइंट को, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कोई बता सकता है? ये जिसको मैंने ग्रीन करा है, बोलो। एक्स वाई जीरो जीरो नहीं है, जीरो जीरो तो ये हो जाएगा बेटा। 2D प्लेन है तो 2 होते हैं एक्स वाई, 3D प्लेन है तो 3 होंगे, क्या? एक्स वाई और जेड। बोले यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट्स क्या होता है बेटा, एक बात बताओ, 2D प्लेन में कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ था? 4, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स, राइट? 3D प्लेन में हमारा 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्टेंट्स। पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब जो उसमें मेन है वो है साइन ऑफ ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट्स के साइन भाई, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, आप लोग अपनी बुक खोले। मेरे को एक बुक दो, न्यू वाले जिनके पास न्यू है, पेज नंबर 210 खोले, सबसे लास्ट में देखें, एंड ओल्ड, मेरी बुक भी ओपन कर दो, ओल्ड है। ओल्ड वाले बेटा पेज नंबर 270, अगेन उसमें भी लेफ्ट में
बॉटम, ये लो बेटा, आपको बस ये सिंबल लर्न करने सारे। अगर आप देखो, मैं इसमें टेबल इंपोर्ट नहीं कर रहा, ये एक्स वाई जेड के साइन याद करने हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट। अब देखो फर्स्ट, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में क्या होता है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव। इसे आपको इसके भी सिंबल्स लर्न करने हैं, कर लोगे याद? वो टेबल हटनी है, देख लो टेबल, टेबल क्या है बताओ जल्दी से। प्लस प्लस प्लस, फिर सेकंड का साइन क्या है? माइनस प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा, लर्न करने की टेक्निक जाननी किसी को भी? एनीवन जाननी है? चलो बताते हैं, एक मिनट रुको, इसको हटाते हैं। वो थोड़ा जिद्दी है ये, हटा दिया। रेडी? अब इसको लर्न करने की टेक्निक क्या है? कितने बच्चों को क्वाड्रेंट के सिंबल याद है? ऑनलाइन में भी क्वाड्रेंट के सिंबल कितने बच्चों को याद है? याद है? आंख बंद करो सबके सब, क्लोज आइज। फर्स्ट क्वाड्रेंट के सिंबल क्या होते हैं? सेकंड के पहले के प्लस प्लस, अगले के माइनस प्लस। चीटिंग कर रहे हैं, आउट हो जाएगा। हाँ जी, थर्ड के माइनस माइनस, फोर्थ के प्लस माइनस, यही है ना पक्का? अभी आपने बोला बेटा प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, ये बोला ना पक्का? इसको दो बार लिख दो, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। एक बार इन सब के साथ क्या करो, प्लस लगा दो, एक बार माइनस लगा दो, हो गया क्लियर? चलो अब इंपॉर्टेंट नोट, फोर तक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, बट एक बात पूछनी है, बेसिक क्वेश्चन है बचपन का। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर है, कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर है 2D प्लेन में, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते थे? x कॉमा जीरो, जीरो y नहीं, x कॉमा जीरो। x कोई नंबर होगा बट y वाला जीरो होगा, बोलो यहां तक क्लियर? ठीक है, उसी तरह अब इस पे आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो बेटा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एक्सिस पर है यानी एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो, बोलो पॉइंट क्लियर? कि एक्स एक नंबर होगा, बाकी दोनों जीरो। वाई एक्सिस पर है तो बोलो बोलो जीरो कॉमा वाई कॉमा जीरो। अच्छा, जेड एक्सिस पर है तो ऑनलाइन बोलो बेटा जीरो जीरो जेड। यहां तक क्लियर? यहां तक कंफ्यूजन? ठीक है। अब बेटा जिससे ये दो को मिला के क्या बना? एक क्वाड्रेंट, राइट? उसी तरह यहां पर हम बोलते प्लेन, क्या बोलते मेरे बच्चा? प्लेन, साइड की दीवार को प्लेन बोलते हैं। इतना पॉइंट क्लियर? जैसा देखो ये रूम देख रहे हो, इस रूम में कितनी वॉल्स? चार। ठीक है, तो ये एक प्लेन हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चा? प्लेन। अब इसको इस तरह समझ लो, यहां तक क्लियर? अच्छा जी, हाँ वैसे ज्यादा आएगी, टेंशन ना ले, बट अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैंने इतना बताया है, बोलो यहां तक क्लियर? आगे चल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। अगर एक पॉइंट है किस पे बेटा? एक्स वाई प्लेन पे, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कोई बता सकता है? थोड़ा सा लाउड दोबारा बोलना,
बिल्कुल सही आंसर है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। अच्छा वाई जेड पर होगा तो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा, बोलो बोलो, जीरो कॉमा वाई कॉमा जेड। जेड एक्स प्लेन पर होगा तो क्या होंगे, एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड। बोलो यहां तक क्लियर, पहले इतने नोट करो फिर आगे चलते हैं बेटा। हम करेंगे एग्जांपल नंबर वन एंड टू, क्वेश्चन वन टू थ्री फोर आप ऐसे ही कर चुके हैं। क्या है एग्जांपल वन, इन फिगर, ओ फिगर पीछे थी मैंने डिलीट कर दी, प्लीज आप अपनी बुक खोल लो। अब मैंने फिगर वो हटा दी यहां से, कोई बात नहीं मैं यहां पे बना देता हूं ठीक है। फिगर क्या हमारी इस तरह 12.3 है, ये फिगर है हमारी। इन फिगर इफ पी, बेटा पी कौन सा वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 4 5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, एफ सी ई बी डी ए, ये ओरिजिन राइट। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या बोलोगे, 0 0 0, तो सबने झट से बोल दिया। अब खेल आते हैं इस पे, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 4 5। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एफ कौन से प्लेन में लाए कर रहा है, एफ क्या है, कौन सी दीवार, दीवार कौन सी दीवार का यूज हुआ है, प्लेन मतलब अच्छा कौन कौन से एक्सिस यूज हुआ है बेसिकली एफ के लिए। ये लो मैं मार्क कर दूं, वाई जेड एक्स, एक्स और वाई। अब समझ आ गया, यस और नो, अगर एफ के लिए एक्स और वाई यूज हुए तो एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बता सकते हो, एक्स वाई जीरो राइट। बोलो 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 बोलो, 2 4 0 क्यों, एक बच्चे ने पूछा पर ऐसा क्यों, एक मिनट बच्चे ने पूछा ऐसा क्यों सर, मैं कहा पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 4 5, पी के ही पैरेलल रो में है, एफ के क्या होंगे, एफ के क्या हो जाएंगे, 2 4 0, बिकॉज बिकॉज एफ लाइज इन YZ प्लेन। बोलिए बेटा एक्स वाई प्लेन, ओ माई बैड माई बैड, एक्स जेड प्लेन पर है बेटा, मैंने एक्स वाई प्लेन पढ़ लिया, तो एक्स जेड प्लेन पर है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2 0 5। बोलो क्लियर, पहला क्वेश्चन डन ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, अगला पढ़िए, अगला पढ़ो एग्जाम्पल, फाइंड द ऑक्टेट इन विच दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट लाइज। हाँ जी ऑक्टेट बताना है जिसमें दोनों पॉइंट्स लाए करे, -3 1 2 -3 1 -2। हाँ जी सर कौन सा ऑक्टेट है, कैसे ढूंढोगे, अब जो टेबल बनवाई थी क्या है, -3 1 2 माइनस प्लस प्लस कौन सा हो गया सेकेंड, अगला कौन सा था, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस यानी सिक्स, सेकेंड एंड सिक्स आ गया, ये सेकेंड में आ गया, ये सिक्स में आ गया, ये थी पहले एक्सरसाइज, करो इसे नोट फिर आगे चलते। अच्छा बाकी क्वेश्चन होमवर्क में मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। एक पॉइंट और पूछा, एक वर्ड बोला वाई कोऑर्डिनेट, बेटा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है पता है, ये भी लिख देता हूँ, कोई भी पॉइंट होता है, छोटा सा नोट, कोई भी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड यही होते हैं ना बेटा, एक्स वाई जेड। एक्स वाले को हम बोलते हैं एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट, वाई को बोलते हैं बेटा ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट, z क्या कहलाएगा, z क्या हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट। बोलो बेटा पॉइंट क्लियर,
कहते हैं तो मेरे को नाम नहीं पता और अभी तक तो मेरे सामने आया नहीं कभी। एक बात पूछनी है, इसके अंदर y कोऑर्डिनेट क्या है f वाले पॉइंट के अंदर? जीरो है क्लियर, और x कोऑर्डिनेट टू। अब नोट कर लो,